हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ NCERT कक्षा एक की बुक, जिसका चैप्टर है पांचवा और मेरा जो विषय है वो है गणित। ठीक है, गणित का जादू। जो चलिए, इसके पहले चार चैप्टर हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर का नाम क्या है? 10 से 20 तक की संख्याएँ। 10 से 20 तक की संख्याएं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 10 का एक बंडल। ये जो बंडल बना है 10 लकड़ियों का बंडल है। ये लकड़ियाँ कहाँ हैं? ये लकड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे हैं। चलिए इन लकड़ियों को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यही 10 लकड़ियों का इन्होंने क्या बना दिया है? बंडल बना दिया है। आगे चलते हैं। तो इन्होंने है इन फिर लिखा है 10 का एक बंडल। तो ये 10 चेरी दी गई हैं। जैसे कि इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 चेरी का एक बंडल बना दिया है। ऐसे ही फिर इन्होंने कहा है 10 तीलियों का बंडल। ठीक है, 10 का एक बंडल, 10 तीलियां हैं माचिस की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब मैं 1 2 3 पढ़ूंगी। ठीक है, तो ये 10 का एक बंडल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 का एक बंडल हो गया। अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? ये कहते हैं हमें 10 का एक समूह बनाना है। तो इन्होंने बहुत सारी क्या कहते हैं सलजम जो है वो दे दिए हैं। ये सलजम का पौधा, ठीक है, सलजम है ना। तो इन्होंने बहुत सारे सलजम दे दिए हैं हमें, 10 का एक बंडल बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए? 10 जो है निकालने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए ना, तो इसको हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये 10 का एक समूह बन गया है। ऐसे ही आगे चलते हैं। आगे भी हमको 10 का बंडल बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? 10 जो है वो हमको गिन लेने होंगे। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10। तो हमारे 10 जो हैं वो इतनी जगह में आए हैं, तो ये हमारा 10 का एक समूह हो गया। ऐसे ही ये कंटर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनका भी हमें 10 का बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हो गए ना। तो इतना जो हिस्सा है ये जो हमारा, ये हमारा क्या है? ये हमारा 10 का एक समूह है। ऐसे ही इन पत्तों का हमें समूह बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारे इन पत्तों का एक समूह बन गया है, 10 का समूह बन गया है। ऐसे ही बहुत सारी टॉफियां दी गई हैं, हमें क्या करना है? 10 का समूह बनाना है। तो 10 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो समूह बना है वो हमारे 10 का समूह बन गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है 10 से 20 तक की संख्याएं। क्या लिखा है? 10 से 20 तक की संख्याएं। अब ये कह रहे हैं रिक्त स्थान जो है वो हमको भरना है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ माचिस की तीलियाँ दे दी हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक तीली दी है, फिर यहाँ पे टोटल 10 हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं आइए गिनते हैं। जैसे कि इन्होंने ये यहाँ पे 9 लिखा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 9 तीलियाँ होनी चाहिए। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 तीलियाँ थी, इसीलिए इन्होंने क्या लिखा? 9। और ये कौन सा निशान है? जोड़ का निशान है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लिखा है, तो इन्होंने एक तीली लिखी। ठीक, 9 तीलियाँ यहाँ पे थी, ये कौन सी हो गई? 10वीं हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया? 10 लिख दिया। तो ये हमारा बंडल का है, का हो गया? 10 का बंडल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इन्होंने 10 का जो बंडल था, ठीक है, ये 10 का बंडल है ना, तो 10 लिख लिया, इसमें एक तीली और बढ़ा दी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 10 के बाद क्या आता है? 10 में एक तीली और बढ़ा दी, जोड़ना है ना हमको, तो हमारा 11 हो जाता है। तो यहाँ पे 11 हो गया। तो इतना जो ये दिया गया है ये हमारा 11 का बंडल है। ठीक है, 10 का बंडल ये, और ये हमारी 11वीं तीली है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इन्होंने 10 का बंडल लिया, 2 तीली बढ़ाई, 1 और 2 तीली बढ़ाई, ये हमारा 10 का बंडल था। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे 10 थे ना, 10 11 और 12,
तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। आगे चलते हैं तो आगे क्या है, ये 10 का बंडल है तो इसमें कितने हैं, 10 हैं। इस बार इन्होंने 3 तीलियाँ बढ़ा दी, 11, 12, 13, तो यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने, 13 हो गए ना हमारे, तो 13 लिख दिया इन्होंने। अब आगे फिर इन्होंने 10 तीलियाँ बढ़ाई, 10 का एक बंडल लिया और 4 तीलियाँ बढ़ानी पड़ेंगी, 1, 2, 3, 4, 4 तीलियाँ हो गई, तो 10 के बाद क्या आएगा, 11, 12, 13, 14, तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 14 लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे इन्होंने कितनी तीलियाँ बढ़ाई हैं, आगे इन्होंने कितनी तीलियाँ बढ़ाई हैं, 10 का बंडल ले लिया और 5 तीलियाँ बढ़ा दी। ठीक है, कितनी तीलियाँ बढ़ा दी, 5 तीलियाँ बढ़ा दी। गिन लो अब, ये हमारे 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे चलते हैं तो 10 का एक बंडल ले लिया और 6 तीलियाँ बढ़ा ली। गिन लेते हैं हम, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं, आगे क्या है, 10 का एक बंडल ले लिया, फिर 7 तीलियाँ बढ़ा देते हैं क्योंकि इन्होंने 7 लिखा है ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 तीलियाँ हो गई ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम इन्होंने यहाँ पे इन्होंने 17 लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे क्या है, 10 का एक बंडल ले लिया और 8 तीलियाँ बढ़ा दी। ठीक है, गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये 10 का बंडल है। ठीक है, ये हमारा 10 का बंडल है, इस बार इन्होंने क्या लिख बढ़ाया है, 9 तीलियाँ बढ़ाई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो हमारे 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये हमारा क्या हो गया, 19 हो गया, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया, 19 लिख दिया। अब फिर इन्होंने 10 का ये बंडल ले लिया, 10 का दूसरा बंडल ले लिया, 10 के 10 और 10 कितना होता है, 10 और 10 हमारा कितना होता है, 0, और 0 को जब जोड़ेंगे तो 0 होगा और 1, 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो हमारा कितना हो गया, 20। 10 के बाद 10 लाइनें भी हम खींच सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरीके से यहाँ पे क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारा 10 का समूह बनाना है और संख्याएं लिखनी है। ठीक है, टोटल संख्याएं लिखनी है, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 का ये समूह बना लिया है। ठीक है, 10 का तो समूह बना लिया हमने, साथ में एक्स्ट्रा जो थी वो हमने लिख लिया, 1, 2, 3। ठीक है, मतलब 11, 12, 13, तो 13 हमने जो है संख्या लिख दी है। ठीक है, तो 13 में क्या होता है, सबसे ये हमारा इकाई होता है, फिर हमारा दहाई होता है। इकाई के स्थान पे 3 लिख दिया, दहाई के स्थान पे 1 लिख दिया, तो इस तरीके से 13 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी लाइन टेन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 हैं तो 15 लिख देते हैं। ठीक है, तो इकाई के स्थान पे 5 लिखा जाएगा और दहाई के स्थान पे 1 लिखा जाएगा। अब हमें समूह भी बनाना है 10 का, तो 10 का समूह बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये जो है वो हमने 10 का समूह बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, 10 का समूह बना दिया। आगे चलते हैं, बोलो क्या बात है, बोलो। ये तुमने हाथ कैसे धुले, देखो रगड़े नहीं थे, फिर गंदगी कैसे लगी रह गई, जाओ सही से धुल के आओ, जाओ 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 जाओ,
ऐसे अरे कुछ नहीं बेबी था यार, मुझे लगा मैंने पॉज कर दिया, वीडियो जो थी वो चल रही थी, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे हम टोटल गिन लेते हैं कितने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारा हो गया, आज के लिए बस इतना ही पढ़ाते हैं, ठीक है। नहीं ज़्यादा पढ़ाएंगे फिर आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। जितने दिन में भी चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं पूरा चैप्टर जो है कि जितने भी पार्ट हो पाते हैं उतने में कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कितनी संख्याएँ लिखनी है आपको। अच्छा ये मैंने कवर नहीं कराया है ना, आप कर लेना है, ये आपको करना है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन वो आपको करना है, कमेंट करके आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी इकाई आएगी, कौन सी दहाई आएगी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, और कमेंट क्या करना है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो आपको कमेंट करना है। और अब क्या करना है, आपको गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा आपको कैसे देनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके, ठीक है, गुरु दक्षिणा देनी है। कहाँ करना है सब्सक्राइब, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो एक घंटा लगा होता है उसको भी टच कर देना, जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और पूरा चैप्टर कम्प्लीट कराएँगे।